साल 2020 का पांचवा महीना मई आज से शुरू हो गया है। इसी के साथ शुरू हो गए हैं हिंदू धर्म के कई सारे तीज और त्योहार। इस पूरे महीने बहुत सारे तीज और व्रत पड़ रहे हैं, जिनकी शुरुआत 1 मई के साथ सीता नवमी के साथ हुई है। इस महीने सूर्य और बुध अपनी राशि बदलेंगे, वही शनि वक्री अवस्था में चले जाएंगे। ये महीना त्योहारों से भरा है। इस महीने सीता नवमी के साथ वट सावित्री व्रत और मोहिनी एकादशी भी है। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं मई के महीने के तीज और त्योहार। मोहिनी एकादशी। एकादशी को हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। 3 मई को इस बार मोहिनी एकादशी पड़ रही है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं और पारण के समय प्रिय व्रत खोलते हैं। मई महीने का पहला प्रदोष व्रत 5 मई को पड़ रहा है। ये मंगल प्रदोष होगा। ये व्रत भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। मंगलवार के प्रदोष को भौम प्रदोष भी कहा जाता है। बुध पूर्णिमा। 7 मई को भगवान बुध की जयंती और वैशाख पूर्णिमा है। पूर्णिमा पर घर में भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ करें। नारद जयंती। 8 मई को नारद जयंती मनाई जाएगी। 8 महीने से ही ज्येष्ठ महीने की शुरुआत हो रही है। नारद को भगवान ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से एक माना जाता है। मई महीने का दूसरा प्रदोष व्रत 19 मई को है। ये भी मंगलवार के दिन ही पड़ रहा है। माना जाता है कि प्रदोष का व्रत रखने से भगवान शिव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वट सावित्री व्रत। इसी दिन अमावस्या भी है। वट सावित्री व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। 22 मई को वट अमावस्या भी है। इस दिन शनिदेव की जयंती भी मनाई जाएगी। शनि के लिए तेल और काले तिल का दान करें। 24 मई को ईद का पर्व पड़ रहा है। ये पर्व मुस्लिम समुदाय के लिए बेहद खास है। रमजान का महीना खत्म होने के बाद ईद का पर्व मनाया जाता है। आप हमें अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। साथ ही अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।